गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और मेरे चैनल का नाम है अंकिता चोपड़ा, जो कि मेरा ही नाम है। ऑब्वियस यार, मेरा चैनल मेरा नाम। सो गाइज, आज हम शिफ्ट करने वाले हैं और आज हम निकल रहे हैं होटल से, चेकआउट कर रहे हैं। हम भी लेट हो चुके हैं, नीचे ड्राइवर वेट कर रहा है और मैं हमेशा की तरह लेट। पापा निकल गए। कार्ड आपने नहीं लिया था मेरा, मैंने अपने पास में डाल ली। गाइज, इन कार्ड्स की बात हो रही थी, मिल चुके हैं। फिर राउंड मार के आ जाएगा। नहीं है और कुछ भी, सब ले लिया मैं। बाय बाय होटल। और रुक जाओ, मैं भी जोर लगाती हूँ थोड़ा। चलो फिर। सो गाइस, चलो पापा भी गए हैं ट्रॉली छोड़ने और कार आ चुकी है हमारी। सिन वाली ऐसी है ना, कुछ कुछ सिन वाली ही है आई थिंक। चलो चले चलो। हम पहुंच चुके हैं, चलो अपने घर चले। मैं और ये मेरा सामान, आई मीन मेरा और पापा का, दोनों का। पापा पता नहीं कहाँ है और मैं अपना रूम नंबर भूल गई हूँ यार। अब मैं पापा को भी कैसे ढूंढूं बिना नेट के, ना कॉल कर सकती। हाँ, सारा सामान है। पापा आप मुझे छोड़ के आगे, मैं ढूंढने जा रही हूँ आपको। अब हंसी आ रही है पापा को। नहीं, मैं क्या, आप आई नहीं रहे। मैंने सोचा आप आओगे कि नहीं आओगे। क्या करो, ये देखो हमारी प्यारी सी बकेट, हम बाल्टी भी लेके आए हैं। जोर लगा के आयशा पहुंच गए। आज हम पहुंच गए हैं घर। ये बाकी फिलहाल अभी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, सारे बैग्स अनपैक करने को हैं यार। कैसे अनपैकिंग होगी, मम्मा जाओ। सारा सामान अनपैक करने को पड़ा है, इतना सारा सामान कैसे अनपैक होगा। ये नहीं है यार सारा, अभी तो देखो ये भी है। सी कौन करेगा ये सब, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है यार। गाड़ी में आए ना, गाड़ी में ना नींद सी आ रही थी। कौन बोलता है कि नहाने के बाद फ्रेश हो जाते हो आप, एकदम फ्रेश फील करते हो। मुझे तो नहाने के बाद और भी ज़्यादा नींद आती है। गाड़ी में पता मुझे कितनी ज़्यादा नींद आने लगी थी। ओ यार थक गई। थकने लायक तो वैसे इतना सफ़र नहीं था, सिर्फ हाफ एन आवर में हम यहाँ पहुँच गए। हाफ एन आवर में आई थिंक 40 to 45 minutes लगे हमें यहाँ पहुँचने में। आई होप आप लोगों ने कार से व्यू इन्जॉय किया होगा, काफ़ी सुंदर था ना यार रोड, कितना प्यारा था। और पूरे रोड जितना भी हम आए ना, उसमें मैक्सिमम लगभग वैसे ही रोड था। साइड में पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया और बीच में रोड, बहुत सुंदर था यार, मजा आया। मतलब रोड का भी अलग ही व्यू है अपना। बट मुझे नींद आ रही थी और मैं ऐसी थी, नहीं नहीं यार मिस नहीं करना, मुझे देखना है। और ऐसे ऐसे क्या, मैं आंखें ज़बरदस्ती खुली रखी थी, मतलब मैं सोई नहीं पर बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर ऐसे चेंज वगैरह करके लेटती हूँ, ऐसे पता नहीं क्या। इतना सा सफ़र करके मुझे थकावट होगी, बताओ ये कोई बात होती है भला। गाइस, ये वाला एरिया कितना प्यारा है, मतलब ये वाले कर्टन्स खोलेंगे उसके बाद कितना अच्छा व्यू दिखता है और सारी रोशनी अंदर आ रही है, वाओ। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ को। चलो आप लोगों को भी मैं व्यू दिखाती हूँ। कर्टन्स ओपन करते हैं। ये वाला खुल गया, ये वाला पता नहीं क्यों पूरा नहीं ओपन हुआ और ये वाला ओपन हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत होगी भाई, ये तो गलत बात है आपकी। बाकी आई थिंक इसको छेड़ना नहीं चाहिए, देखते हैं इसमें क्या डिफॉल्ट है। ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करनी क्योंकि ये ना कि छोटा सा डिफॉल्ट है और वो ज़्यादा बड़ा हो जाए। गाइस ओपन हो गया, एक्चुअली ये कहीं अटका हुआ था हल्का सा, मैंने हल्का सा हटाया बस और ये ओपन हो गया। ये देखो व्यू, वूहू प्यारा है ना, ये तो अच्छा है, मजा आ गया। सो गाइस सारे कर्टन्स खोल दिए हैं और ये देखो व्यू कितना प्यारा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। मैं होटल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे अभी तो फिलहाल, बाकी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बट अभी फर्स्ट डे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बस ये कि पापा ऑफिस जा चुके हैं और अब मैं अकेले सोच रही हूँ मैं क्या करूँ यार अकेले, ना तो नेट लगाया है अभी यार, सिम लेने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए रुकूंगी फिर मैंने चले आना है, तो फिर सिम का कोई वो नहीं है। इसलिए आज या कल तक, मतलब
पता नहीं कब आएंगे वो सर्विस वाले, बट पापा ने बोला आज मैं उनको कॉल करके बोलूंगा, तो नेट लगवा देंगे और उसके बाद मजे, बस आज का दिन किसी तरह निकल जाए। मुझे लग रहा है आज पापा को एक दिन की छुट्टी तो ले लेनी चाहिए थी यार, ऑब्वियसली शिफ्ट कर रहे हैं तो यार बहुत जरूरी होती है छुट्टी, शिफ्ट कर रही है क्यों मतलब ऑफिस चले गए। ऐसे मैं सच बोलूं मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि मुझे नेट मिल जाता। वैसे तो क्या ही पापा आ ही जाएंगे शाम तक, तो कोई बात नहीं निकालेंगे इतना टाइम, मैं तो ऐसे बोली थी, मतलब सामान का तो कुछ नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे अनपैक, और क्या धीरे धीरे हो जाएगा सब, ऐसा कुछ नहीं है, दिख रहा है मतलब मुझे सामने, तो मैं सोच रही हूँ हो जाएगा है ना, हो ही जाएगा। बाकी आप लोगों को मेरी आवाज़ सुन रही है, गूंज रही है ना, गूंज रही है, हेलो 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 गूंज रही है ना। अभी सामान ज़्यादा नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा सामान आएगा सब, फिर आवाज़ भी नहीं गूंजेगी तो फिर सामान नहीं है, तो इस वजह से आवाज़ गूंज रही है, ठीक हो जाएगा फिर जब सामान आ जाएगा। बाकी व्यू एंजॉय करो, और अब मैं जा रही हूँ चेंज करूंगी, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये देखो आज मौसम हल्के हल्के बादल आ चुके हैं, बीच बीच में धूप आ रही है, अंदर भी रूम में भी धूप आने लगी है थोड़ी थोड़ी, ये देखो दिख रही है हल्की हल्की सी धूप आ रही है। बाकी ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं यहाँ से जो कि मुझे अच्छा लग रहा है यार, आप लोग बोलोगे कितनी बार दिखाऊंगी, दिखाऊंगी बार बार दिखाऊंगी, रोज दिखाऊंगी इनफैक्ट, परेशान होना है, होते रहो होते रहो। गाइस फिलहाल तो मेरा चेंज करने का भी मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है बिस्तरा दो और मैं बस सो जाऊं, क्या करें समझ नहीं आ रहा। अभी लंच भी बनाना है, लंच करूं स्किप कर दूं आज का लंच, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बना ही लेते हैं यार, खाना खाना ज़रूरी है, सुबह सिर्फ ब्रेड खाई थी तो ब्रेड उस ब्रेकफास्ट से भी छुटकारा मिला, ओह मजा आ गया, ब्रेकफास्ट से तो छुटकारा मिल गया बच्चू, बट कल से ब्रेकफास्ट बनाना भी तो पड़ेगा, सुबह सुबह उठो जल्दी यार ब्रेकफास्ट बनाओ। बस यार बहुत हुआ, सबसे पहले कपड़े चेंज करो देन सोचो क्या करना है, सबसे पहले मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। गाइस बाहर का मौसम देख के ऐसे लग रहा था जैसे शाम के 4 बज गए होंगे, बट अभी अभी मैंने टाइम चेक किया अभी तो सिर्फ 2 ही बज रहे हैं, पापा पता नहीं कब आएंगे, और बिना नेट के मेरी हालत खराब हो रही है, बिना नेट के मैं क्या करूँ यार, मैं बोर हो रही हूँ क्या करूँ, नींद भी आ रही है बट नींद का पता क्या सीन है यार, मेरे को ध्यान आया एकदम से यार हमारे ब्लैंकेट्स वगैरह तो है ही नहीं, बिना ब्लैंकेट्स के अब क्या करूं, बिना ब्लैंकेट के तो नींद भी नहीं आएगी। एक्चुअली जो हमने ब्लैंकेट्स उस दिन परचेज किए थे वो हमने किसी के घर रखवा दिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने यहीं पे आना था तो वो यहीं पे रहते हैं पड़ोस में, तो वहाँ वो रखवा दिए थे, तो हमने सोचा होटल क्यों ले जाने, जब यहाँ शिफ्ट होएंगे तब उनसे यहीं पे ले लेंगे, फिर हमें वो फिर से होटल से उठाकर लाने पड़ते, वैसे तो मैं पहले जाके ला सकती हूँ मतलब यहीं पे उनके साथ में बिल्डिंग, बट मेरा वो भी मन नहीं कर रहा, मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा, मतलब फिर से मुझे रेडी होना पड़ेगा बाहर जाने के लिए, मेरे से वो सब नहीं होगा यार, अभी मेरा मन नहीं कर रहा, मैं सोच रही हूँ मेरे को नींद आ रही है तो मैं कैसे मैनेज करूँ, चलो ऐसे ही बिना ब्लैंकेट के ट्राई करते हैं सोने का, तो चलो सो जाते हैं, क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। गाइस सच कहूँ तो मुझे बिना ब्लैंकेट के बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, इसलिए मुझे एकदम से आइडिया है कि मैं पापा की जैकेट लेके आती हूँ, बट पापा की जैकेट के साथ भी वही सीन था, कभी वो सर पे नहीं आ रही थी कभी वो पैरों पे नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अपनी जैकेट भी उठा के ले आई, फिर मैंने दोनों की जैकेट के साथ सोने का ट्राई किया, बट जैकेट के साथ वही हो रहा था, मैं कंफर्टेबल ही नहीं थी इसलिए मुझे नींद ही नहीं आई। गाइस मुझसे कलोल हो चुकी है, सारा धनिया गिर गया है फर्श पे और वो एक छोटे छोटे दाने कौन चुगेगा यार, क्या करूँ अब मैं कैसे करूँ, झाड़ू भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम क्लीनर पता नहीं हमारा कब आएगा, कुछ सामान नहीं है, बिना सामान के यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं क्या करूँ उसको कैसे इकट्ठा करूँ एक एक दाना। फंसी मुझे मिली है बहुत ही कमाल की चीज़, कमाल की तो नहीं है छोटी सी है बट काम चलाऊ है, तो चलो उससे काम करते हैं। ये देखो ये छोटा सा वैक्यूम क्लीनर, इसको तो मैं भूल ही गई थी, और ये देखो ये सारा धनिया, ये हाल हो गया है, दिखाती हूँ ये कैसे यूज होगा, देखो इस बटन को ऊपर करना है, आवाज तो बहुत करता है ये, और यहाँ से इसकी चलती है लाइट, ओके गाइस, और ये इसको ओपन होने का, इससे ये ओपन हो जाता है, उसका बटन है ये वाला, तो इसका भी छोड़ो फिलहाल, देखो बाकी मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी अब, बहुत आवाज आने वाली है, तो फिलहाल ये देखो ये कैसे होगा, सॉरी गाइज इसने तो दे दिया धोखा, दिन में ही अभी चार्जिंग पे लगाया था ये और अभी निकाल के लाई थी मैं इसे, मुझे क्या पता था ये धोखा दे देगा, क्या वैक्यूम क्लीनर यार ये तो बेकार है, अब क्या करें, इसको चार्जिंग पे लगाते हैं थोड़ी देर, उसके बाद ट्राई करते हैं, और क्या फिलहाल और कोई ऑप्शन भी नहीं है, बस दुआ करो कि हमारा सामान जल्दी जल्दी आ जाए, वैक्यूम क्लीनर जल्दी आ जाए, सारा सामान जल्दी आ जाए, अदरवाइज उसके बिना तो सारा घर ऐसे बिखरा पड़ा रहेगा, कुछ भी काम नहीं चल रहा यार बिना सामान के, क्या करें, चलो अब इसको चार्जिंग पे लगा लेती हूँ फिलहाल। ये होता है ऐसे ही, इसको लगता है चार्ज करने के लिए पॉइंट, ये होगी इसकी चार्जिंग शुरू, ये देखो 2 डंडे पहले दिखा रहा है, बताओ इसकी तो बैटरी खराब है।
सो फाइनली गाइस हमारी बेडशीट्स आ चुकी हैं। पापा ऑफिस से आए थे जब, तो पापा लेते हुए आए थे और नींद मुझे आई थी, बट ऐसे ही आई थी टूटी फूटी सी, वो भी 20 मिनट की। बिना रजाई की नींद नहीं आती यार। तो चलो पापा लिया है, मैं दिखाती हूँ आपको ब्लैंकेट्स। ये देखो हमारी ब्लैंकेट्स आ चुकी है। चलो अब इन दोनों को ले जाते हैं, ओढ़ते हैं, देखते हैं कैसी है। ये रही हमारी रजाई, चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को भी। अरे इसकी जिप कैसे खुलेगी? खुल गई, वो थोड़ा सा टेढ़ी करके खुलनी थी। ये देखो, मैंने भी नहीं देखी अभी तक, हमने जस्ट वहां से उठा ली थी उस दिन साइज देख के। है तो सिंगल बेड की और ये तो डबल बेड की लग रही है। ये है कुछ ऐसी, ये तो मस्त मिल गई गाइस। ये देखो इस साइड से ऐसा कलर है, एक साइड से ऐसा है, अच्छी लगी मुझे ये रजाई। हाँ दिन को बहुत मिस किया मैंने इससे, बहुत ज्यादा मिल गई फाइनली। अब सोएंगे रात को मजे से, थक चुकी हूँ आज से सच में। किचन की सफाई की, वहाँ थोड़ा बहुत सामान सेट किया, अभी बैग्स ओपन नहीं किए आज, कल देखते हैं, कल करेंगे। बाकी यही सब था। अभी मैंने और पापा ने डिनर किया और अब पापा मम्मा से बात कर रहे हैं फोन पे, तो चलो मैं भी मम्मा से बात करके आती हूँ। आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं गाइस, सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।